इटली की राजधानी हो गया रोम, और जर्मनी के हो गया बर्लिन, और फ्रांस के हो गया पेरिस। हमको कुछ गजरा मुरई समझ में नहीं आ रहा है। बहन चुत कलिया पगला गया है, सबके बैठवा के पढ़वा रहा है। बहुत हो गया टाइम पास, अब पढ़ाई में मन लगा। कम है पानी मटके में, गार मार लेंगे एक झटके में। हमको पढ़ने के लिए नहीं कहो। ओह माय गॉड, हम परहेज से बचे लातूनी के गैंग में शामिल हुए थे। अरे इलेक्शन आया हुआ है, बहुत अच्छा मौका है। जरा सा मेहनत कर देगा ना तो नौकरी लग जाएगा। हम आईपीएस बनना चाहते हैं, बहुत नाम सुने हैं आईपीएस का। तब तुमको 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यस 18 घंटा, 2 घंटा चोदने में जाएगा, बचा 4 घंटा। खाना पीना हगना मुतना बिनचुत सोते के काम। आईपीएस बनने के लिए हर शौक को त्यागना पड़ता है। चपरासी बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? 8 घंटा। चपरासियों बनने 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा? इस 7 साल से पढ़ रहा है, झाट कुछ बना है ये नहीं। अब हमनिये के बनना बाकी रह गया है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, हम कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हैं। नो, कैसन कंपनी भैया जी? निहूर कंपनी खोलने का मेरा बचपन से शौक है, और उसी में हम तुम सबको जॉब देंगे। तुम्हारे कंपनी में जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम तुनी सबसे कोई डिग्री नहीं लेंगे, बस गार बरियार होना चाहिए। भैया जी, हमारा गार बरियार है। हिंद महासागर, एशिया, माथा फूट जाएगा पढ़ाई के इतना ओवरलोड में। लौड़ा बुढ़ा जाएगा नौकरी के खोज में। ऊपर वाले सुन ले मेरी अरज हमारी, है ऊपर वाले सुन ले मेरी अरज हमारी, जल्दी से लगवा दे मुझको नौकरी सरकारी, जल्दी से बना दे हमको तू सरकारी नौकर। खोलेंगे ब्लाउज और डालेंगे धोकर। हम चले गांजा पीने। अबे भोसड़ी के चूतर पर मारेंगे, चुपचाप बैठ जाओ। अब नशा मुक्त होना है। लौड़ा मुक्त होना है। तू नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाए? नहीं, हमको ये जिंदगी पसंद है। तुमको नौकरी का वैल्यू नहीं पता है, एक बार अगर लग गया ना तो पूरा जिंदगी बैठ के खाएगा। यस। नौकरी की खेल है ठेलम ठेलम गारी, नौकरी की खेल है ठेलम ठेलम गारी, देश है अमीर मेरी फिर भी बढ़ती बेरोजगारी। Wow. एक दिन मर जाओगे नौकर की मौत, जग में कहेंगे सब मर गया माधवचोद। एक दिन मर जाओगे नौकर की मौत, जग में कहेंगे सब मर गया माधवचोद। रुको रुको, मैडम के फोन आ रहा है। ग्रुप स्टडी के दौरान कोई लड़की से बात नहीं करेगा, चलो फोन काटो पहले। भैया जी, किसी का गार काट सकते हैं, लेकिन मैडम का फोन कभी नहीं काट सकते। फोन नहीं उठाएंगे तो मैडम गुस्सा हो जाएगी। कुछ गलत करके भागा है? अरे मैडम से आज कहे कि आज न्यू पोज में करते हैं, तो मैडम मना करने लगी। हम भी फुल जोश में थे, घुसा दिए गार में, हक दी ससुरी, घर से भागना पड़ गया। ऐसे क्या करते हैं भैया जी? अबे स्टूडेंट लाइफ में प्यार क्यों होता है? जिसको माना रब से ज्यादा उसने की गद्दारी, जिसको माना रब से ज्यादा उसने की गद्दारी, छोड़ के चली गई वो मेरी दुनिया सारी। एक दिन मर जाओगे आशिक की मौत, जग में कहेंगे सब मर गया माधव चोर। तो और सबको भड़का रहा है, उसको मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। हम किसी को भी किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं। Wow. जो जहाँ चाहेगा वहाँ अपना करियर बना सकता है। Yes. हम प्रियंका को बिगड़ने नहीं देंगे। लो ये वाला भी पढ़ लो, एग्जाम में आ सकता है। पढ़ो ना, भगवान भरोसे नौकरी लग गया तो अच्छा के बात है। कलिया चढ़ा पहाड़ पर करके चूतर चौरा, नीचे से प्रियंका बोला उतर बहन का लोड़ा। Oh my God. अरे कलिया, तू सच में बहुत ज्यादा फेमस है, क्या मजाक कर रहा है? मलाई लगाना बंद करो। सरकार प्रॉमिस किया है कि इस बार 10 लाख नौकरी बांटेगा। सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, सेवा में सरकार है, लेकिन जहाँ देखो वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार है। yes. आदमी के जन्म से लेके आदमी के मरने के बाद भी उसके लाश तक का व्यापार है। सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, सेवा में सरकार है।
ई आदमी हमको पसंद है, तू हमर गैंग में शामिल हो जाओ। भाई स्टूडेंट की लाइफ झाट के बाल के तरह होती है, न झुकी रहती है, न सीधी रहती है, न टेढ़ी मेढ़ी रहती है। कौन चीज बोला? स्टूडेंट की लाइफ झाट के बाल के तरह होती है, न झुकी रहती है, न सीधी रहती है, न टेढ़ी मेढ़ी रहती है, बस पूरी जिंदगी मरवाती रहती है। अब देखो, एक बच्चा जन्म लेकर बड़ा होता है, उसके गार्जियन पहले ही तय कर देता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अबे भोसड़ी के, कभी बच्चे से भी पूछ लिया करो कि बच्चा क्या बनना चाहता है। तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन हम एकदम क्लियर हैं। हम गोल को लेकर एकदम क्लियर हैं। पहिंचुत कुच्छो हो जाए, हम वही करेंगे जो मेरा मन करेगा। हम लौड़ा नहीं किसी का सुनते हैं। पापा बोले डॉक्टर बन जाओ, मम्मी बोली इंजीनियर बन जाओ, साला भाई को हम चपरासी में ठीक लगते हैं, तो भोसड़ी के हम चपरासी बन जाएं। तुम लोग जूनियर हो, इसीलिए तुम सबको समझा रहे हैं, बेटा दुनिया के मत सुनो, दिल के सुनो। यस। हेलो। हाँ पापा जी, प्रणाम। हाँ पढ़ाई चल रहा है ना? हाँ, इस बार मेडिकल निकल जाएगा। ओह माय गॉड। आप अपना दवा लेकर सो जाइएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट पापा जी, बाय। क्या भैया जी, यही आपका स्वैग है? अबे भोसड़ी के, हम ज्ञान चोद रहे थे, तो सीरियस काहे हो गया बे? मतलब कलिया सही कह रहा है, अब पढ़ना पड़ेगा। बचपन में होमवर्क नहीं बनाते थे तो कपार फाड़ देते थे, मास्टर साहब लड़का में गर मार लेते थे। No. कौन सी बोले? डेली डेली उद्धू पन्ना के टास्क बढ़ाते थे, नहीं बना के ले जाते थे तो खोपचा में बुलाते थे। Oh my God. सिर्फ हम ही नहीं, इस दर्द का शिकार हुआ हर एक छोरा था, क्योंकि मास्टर साहब को पसंद सबका लौड़ा था। No. तू गलत बोल रहा है, होगा कोई खराब मास्टर, गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है। Yes. मास्टर साहब सबका ज्ञान देते थे? अरे बहनचोद, ज्ञान ज्ञान बोल रहा है, गार नहीं। गुरु वो है जो ज्ञान देता है, विद्या का दान देता है। गुरु सजा देता है, अपमान देता है, और गुरु ही आपको सम्मान देता है। Wow. गुरु वो है जो आपको स्वाभिमान देता है, एक अच्छा संस्कार देता है। भैया फूलों बगीचा में गई है? No. आप कोई था साथ में? नहीं, अकेले जा रहे थे। चलो पढ़ाई तो कल हो कर लेंगे। Fuck.